आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेऑफ्स की जो है कई सारी डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं। जी हाँ, फाइनली, और ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट कहेगा कि होने वाला है, खास करके अगर हम बात करें कनाडा के लिए, जर्सी के लिए और उन टीमों के लिए, खास करके जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में बॉटम टू में रहने वाली है, यानी छठे और सातवें नंबर पर टीम रहने वाली है, प्लस कनाडा और जर्सी के लिए, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टूर्नामेंट बजाय बाकी और जो दो पार्टिसिपेंट होंगे। क्योंकि आपको बता दें कि सबसे पहले शुरू करते हैं, चलिए होस्ट, टाइम, शेड्यूल वगैरह, फॉर्मेट क्या होगा, कौन से होस्ट करने वाला, ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। तो आपको डेलीगेट यहाँ पर शुरुआत करता है इस चीज को प्रोवाइड कराने की। एंड सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ जो टूर्नामेंट है, जहां पर कहने के डिसाइड होगा कि किसका ओडीआई स्टेटस बचेगा नहीं बचेगा, कोई नया आएगा नहीं आएगा, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाने का एक रास्ता है, ये आखिर होस्ट कौन करने वाला, बिल्कुल, और ये कहना होगा कि एक एसोसिएट टीम को ये मिला है। जी हाँ, और वो कोई नहीं, वो नामीबिया ये होस्ट करता हुआ हमें नजर आएगा। तो ये बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है जो नामीबिया इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ को होस्ट करेगा, और यहाँ पर सारी टीमें यहीं पर जो भिड़ेंगी अपना ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए भी और वर्ल्ड कप में जाने के लिए। बिल्कुल, तो अब सीरीज से चलते हैं, आखिर टीम्स इसमें कितने होने वाली है। ऐसा आपको पता ही है कि इसमें छह टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है, और इन छह टीम्स कौन कौन सी होंगी, कनाडा और जर्सी ये कंफर्म हो चुकी है, और पीएनजी ये तीन पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। बाकी जो तीन टीमें हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आप सबके माइंड में है ही, बाकी फॉर्मेलिटी के लिए अभी भी हमने ये ऑफिशियली हम चीज नहीं कह सकते कि कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके माइंड में वो चीजें हैं कि बाकी तीन टीमें कौन हो सकती हैं। छह टीम पार्टिसिपेट करेंगी, उसमें से अगर आपको बता दूं मैं कि वो छह की छह टीमों में आए, सबसे पहले आप ये बताएं कि इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या होने वाला है, और इनकी इनकी जो डेट्स है वो फाइनली आप बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो फॉर्मेट की बात करें तो ये राउंड रॉबिन, सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट है। जी हाँ, छह टीमें हैं, आपस में एक एक बार बढ़ेंगी फॉर्मेट में, और टेबल चलेगा, छह की टेबल बनेगी, और जो भी टॉप टू रहेंगे और टॉप फोर रहेंगे उनका अलग ही, आप जरूर बताइएगा कि टॉप टू और टॉप फोर का क्या होगा। लेकिन और हम बात करें साथ ही साथ मैचेस की, तो पर डे यहाँ पर 24 तारीख से, जी हाँ 24 मार्च 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक यहाँ मैचेस चलेंगे। बिल्कुल, तो क्लियर कट है, जितने भी टीम्स हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग जो बॉटम टू टीम्स होने वाली है, स्पेसिफिकली बॉटम टू टीम्स जो होने वाली है, और कनाडा और जर्सी, नोट डाउन कर लीजिए ये डेट, क्योंकि 24 तारीख से लेकर 5 अप्रैल के बीच में ये टूर्नामेंट है, ये डिसाइड करेगा कि आपके पास ओडीआई स्टेटस रहेगा नहीं रहेगा, आप नए वापस से ओडीआई स्टेटस गेन करेंगे नहीं करेंगे, नहीं कोई ओडीआई स्टेटस टीम बनेगी नहीं बनेगी, और क्या आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ये सब कुछ वो एक 24 से 5 अप्रैल तक का ये 9-10-11 दिन का टूर्नामेंट है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसाइड करने वाला है, और उसे होस्ट करेगा वन एंड ओनली नामीबिया। अब यार यहां पे टाइमिंग से जल्दी से बात कर लूं मैं, तो मैचेस डेली कितने मैचेस होने हैं इस टूर्नामेंट में, और टाइमिंग्स क्या होंगी उसके, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बात करें। जरूर, देखिए 1 PM जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देखें तो 1 PM यानी कि 1 बजे दोपहर को ये मैचेस शुरू होंगे, और जैसे कि हम जानते हैं नामीबिया थोड़ा सा शायद इसको डिले कर देता है, थोड़ा हल्का सा पीछे कर देता है, तो 1:30 बजे भी, जी हाँ, और ये IST हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन 1 बजे श्योर। बिल्कुल, और मैचेस की बात करें तो पर डे एक मैच, जी हाँ डेली एक मैचेस होने हैं, और उसके बाद 5 तारीख तक टूर्नामेंट चलेगा। तो ये है क्वालिफायर प्लेऑफ में हाल, अब देखना है कि कौन कौन सी टीमें यहाँ पर किस तरह से कर पाती है। आपको छोटा सा लास्ट में एक अपडेट दे दे क्या इस क्वालिफायर टूर्नामेंट का होगा क्या, देखिए इसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है, 3 हमने आपको कन्फर्म बता दी, 3 बस आने ही वाली है वहां से, चलिए यूएसए को भी आप मान लीजिए क्योंकि यूएसए टॉप रहना बहुत मुश्किल है, यूएसए को दे लीजिए, बाकी नेपाल और उन सब में यूएई वगैरह में देखना है कि कौन कौन सी टीमें वहां जाती है, क्योंकि सिर्फ टॉप 3 टीमें स्कॉटलैंड नामीबिया और ओमान ने तो कंफर्म है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में तो डायरेक्ट जा रही है, इसके अलावा जो 4 टीमें ये वहां आएंगी 2 वहां से ये 6 हो जाएंगी, जो टॉप 2 रहेगा वो ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलेगा और उनका ओडीआई स्टेटस वैसे भी बच जाएगा अगर वो यहां पे टॉप 5 में रहती है, सिंपल सी बात है। कनाडा और जर्सी को ये आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि कनाडा और जर्सी दोनों को ओडीआई स्टेटस मिल जाए, अगर आपके मन में आप ये विश कर रहे हैं, तो उन दोनों को पीएनजी, नेपाल और यूएसए, इन तीनों से ऊपर रहना होगा क्वालिफायर प्लेऑफ टूर्नामेंट में। साहब से आगे दोनों ऊपर रहते हैं तो पीएनजी और नेपाल ये लोग अपना जो ओडिया स्टेटस है ये खो देंगे और ये दोनों आ जाएंगे, और बाकी अगर नेपाल पीएनजी को अपना ओडिया स्टेटस बचाए रखना है तो फिर उन्हें कनाडा और जर्सी में से किसी एक के ऊपर, पीएनजी के खिलाफ भी 2 के ऊपर से ऊपर रहना होगा। कुल मिलाकर साफ सीधी बात है, जो टीम टॉप 3 में रहेगी क्वालिफायर प्लेऑफ टूर्नामेंट में उनका 101% है कि ओडिया स्टेटस
बच जाएगा। देखना होगा क्या कुछ होने वाला है इस टूर्नामेंट में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज एफर्ट के वीडियो को लाइक करिए, लगातार अपडेट्स एस्ट्रो क्रिकेट से आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।